सुप्रीम कोर्ट में शरी बरादरान अहलियत केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। केस की समाअत जस्टिस मूसा की लगारी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने अपने मुख्तसर हुक्म में कहा है कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आइंदा समाअत पर अदालत में पेश न हुए तो यकतरफा तौर पर कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। डिप्टी अटॉर्नी जनरल आगा तारिक ने अदालत से इस्तदा की है कि वो वफाक से पिटीशन जारी रखने की हिदायत नहीं ले सके हैं, लिहाजा इसके लिए उन्हें मजीद 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए। शरीफ बरादरान की जानिब से एम अक्रम शेख, आगा तारिक और AK डोगर वकील हैं। शरीफ बरादरान पर जिमनी इंतखाबात के हवाले से केस लाहौर के 2 शहरियों की जानिब से दायर किया गया। दरख्वास्त गुजारों का मौकफ है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर करप्शन के इल्जाम हैं जिसमें उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है, लिहाजा ये इंतखाबात वो लड़ने के हल नहीं है।